नमस्कार दोस्तों, जेएमडी कंसल्टेंसी चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन की मांग को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी की लगातार मीटिंग यहाँ पर वित्त मंत्रालय से, श्रम मंत्रालय से और ईपीएफओ से यहाँ चल रही है। दिनांक 24 मार्च और 29 मार्च 2023 को माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया के साथ एनएससी के कमांडर अशोक रावत से बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, इस तरह का आश्वासन मिला था। लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम और हायर पेंशन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका कोई समाधान निकल कर नहीं आया है। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक और पत्र यहाँ पर ईपीएफओ को लिखा गया है। आपको अवगत हो कि एनएससी के आंदोलन के नोटिस के बाद 24/3/2023 को ईपीएफओ के कार्यालय के एनएससी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक मीटिंग यहां पर ईपीएफओ के साथ की गई थी। इसके बाद 28/3/2023 को श्रम मंत्रालय के सामने जो प्रदर्शन किया गया और इसके बाद 29/3/2023 को ईपीएफओ कार्यालय दिल्ली ने एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष को आमंत्रित किया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय सुश्री नीलम समीराव ने की थी। दोनों मीटिंग यहां पर सफल रही। सीपीएफसी महोदय ने मांगों पर ठोस कार्रवाई करने के संकेत दिए और कई मुद्दों पर सहमति भी जताई थी, परंतु इसके बावजूद भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है ईपीएफओ के द्वारा। इसी को लेकर एनएससी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की तरफ से सीपीएफसी महोदय को लिखा गया है। इस पत्र में दोनों मीटिंग्स की चर्चाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है और मेडिकल सुविधा के सकारात्मक स्पष्ट संकेत, मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करना तथा उसमें महंगाई भत्ता जोड़ना आदि विषयों पर ईपीएफओ की ओर से अच्छी नीयत के संकेत, उच्च पेंशन पर लाभ के लिए पैरा 26(6) की शर्त के विषय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सही और उचित न्याय मिले, ऐसी ईपीएफओ की मंशा व एनएससी के सुझाव के अनुसार संयुक्त विकल्प भरते समय आने वाली परेशानियों को दूर करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली में ईपीएफओ के अनुसार पीपीओ के अनुसार नाम की पंक्तियों को जोड़कर आदि मुद्दों पर यहां पर पत्र लिखा गया है। इसी पत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को देखते हुए प्रमुख मांग और डिमांड यहां पर की गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन की मांग को इस पत्र में शामिल किया गया है। उम्मीद है ईपीएफओ की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जल्द ही 7,500 रुपये तथा उसे महंगाई भत्ता जोड़ना, मेडिकल सुविधा देने के लिए जल्दी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे तथा हायर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प बनने में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए जल्द ही डिसीजन लिए जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।